आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। आधी रात 112 की मदद से किया गया रेस्क्यू, कॉल आते ही आधी रात निकल पड़ते हैं रेस्क्यू पर। कोरबा जिले में सांपों को संरक्षण करने का काम कुछ युवा वर्ग लगातार कर रहे हैं, जो जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर सांपों के साथ लोगों की जान बचा रहे हैं। सुबह शाम दिन रात लगातार सेवा कर रहे। सबसे बड़ी बात, ना उनके इसमें इनका कोई स्वार्थ है ना कि कोई फायदा, वो सिर्फ और सिर्फ प्रकृति को बचाने और उसकी रक्षा में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। मौसम के बदलते ही घरों की ओर रुख करते जमीन में रेंगने वाली मौत का खतरा अब और बढ़ता जा रहा है। अक्सर सर्पदंश का मामला रात में होता है जब लोग सोते रहते हैं। ऐसी ही कुछ घटना एक जगह घटने से टल गया। दादर निवासी एक व्यक्ति के घर रात 3 बजे उस समय एक बड़ा हादसा टल गया जब घर मालिक शौचालय के लिए उठा ही था कि घर के दरवाजे के पास एक सांप के ऊपर पैर रखते रखते बच गए। वो सांप को देखते ही अंदर की ओर भाग खड़ा हुआ, फिर सांप भी हलचल देख एक जगह जाकर छुप गया। बड़ी हिम्मत कर घर मालिक बाहर आया तो देखा कोबरा प्रजाति के सांप पानी चालू कराने वाले डिब्बे के अंदर जाकर बैठ गए, जिसके तुरंत बाद उसने आपातकालीन सेवा 112 को फोन किया। घटना के गंभीरता को देखते हुए 112 के आरक्षक लखनलाल, गाड़ी चालक अनिल कुमार राजपूत ने बिना देरी किए स्नेक रेस्क्यू टीम प्रमुख वन विभाग सदस्य जितेंद्र सारथी को इसकी जानकारी दी, जिस समय वे सो रहे थे। रात बहुत ज्यादा होने की वजह से घर वाले चिंतित थे कि मदद मिलेगी कि नहीं। फिर फोन करके बताया गया कि आप सभी घर वाले निश्चिंत रहें, रेस्क्यू टीम के साथ हम आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद उस व्यक्ति के घर पहुंच, जहां पूरा परिवार डरा सहमा हुआ बैठा था। बिना देरी के जितेंद्र सारथी ने सांप को सुरक्षित रेस्क्यू कर डिब्बे में रखा, तब जाकर घर वालों ने राहत की सांस ली, साथ ही धन्यवाद ज्ञापित किया। कोरबा राजगमर से नागेंद्र पाल की रिपोर्ट। सर, मेरा नाम जितेंद्र सारथी है और आज रात्रि करीबन 3 बजे के आसपास हमें सूचना मिली कि एक व्यक्ति के घर पे दादर पे सांप घुस के बैठा हुआ उनके घर पे, जिसकी वजह से वो काफ़ी डरे हुए थे। उनके घर परिवार में बच्चे थे, तो एक हादसा होने की आशंका थी जिसके वजह से वो डरे हुए थे। तो 112 को उन्होंने मदद फ़ोन किया और 112 की मदद से 112 की टीम ने मुझे फ़ोन करके घर से रिसीव किया और हम 112 की टीम की मदद से हम दादर पहुंचे। फिर हम देखे तो घर के जस्ट आंगन है, उसमें एक जगह बैठा हुआ था कोबरा प्रजाति का जो सांप था, और उसने हमने सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। और निश्चित ही 112 की टीम लगातार हमारे रेस्क्यू टीम के लिए मददगार साबित हुई है और लोगों के लिए भी मददगार साबित हुई है, क्योंकि वो लगातार रात्रि 3 बजे भी अगर वो पहुंच रही तो बहुत अच्छा विषय है। हमने सुरक्षित उसको रेस्क्यू किया और हमने उसको भी रेस्क्यू करके अपने काबू में कर लिया। इससे एक हादसा होते होते टल गया। मान लीजिए रात करीबन 3 बजे है, सोते सोते हो सकता है कहीं दीवार के किनारे से वो या फिर दरवाजे से अंदर घुस जाता तो एक हादसा हो सकता था। वो हादसा टला। मैं पूरा 112 की टीम को धन्यवाद करूंगा कि आगे भी आप निरंतर इसी तरीके से आपका सहयोग बना रहे। लखन रात्रि, लखन भैया बताएंगे क्या सूचना मिली थी आपको और किस वक्त मिली थी? डायल 112 में फोन आया था, इवेंट आया था अपने पास, तो हमने जितन साथी भैया को इन्फॉर्म किए और उसके माध्यम से उसको लेकर के साथ में आए, उसके घर गए और फिर उसको वो अपना भैया आपको परिचय बताएंगे। जी, मेरा नाम गोपाल यादव है। गोपाल भैया बताएंगे आपके घर पे क्या घटना घट रही थी और किस तरह से आपको मदद मिली? जी, मेरे यहाँ रात को करीबन 3 बजे कोबरा सांप निकला हुआ था, जिससे मैंने 112 को फ़ोन करके बताया। 112 की टीम ने जितेंद्र सारथी भैया के साथ आके सांप को सुरक्षित रेस्क्यू किया, जिससे हमारे घर में कोई भी हादसा होने से टल गया।